Hello everyone, welcome back to our channel Eduethic. So if you are new to this channel, hi my name is Shreya Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel. And don't forget to click on bell icon to get more notifications first. Now without further delay, let's get started with our today's topic for class 6 History Chapter 6 अशोका दी एम्प्रायर हो गेव ऑफ वॉर तो आज हम इसका पार्ट सिक्स करने वाले हैं अशोका अयूनिक रूलर एंड अशोका वॉर इन करिंग ठीक है तो इसके बाद हमारा कचरा है ये इसको हम फिर पार्ट सेवन में कंप्लीट करेंगे पार्ट एट में वॉट वॉज अशोका धम एंड पार्ट नाइन बस तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो से दी मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर तो सबसे फेमस जो मौर्यन रूलर थे वो कौन थे अशोक का थे ठीक है और वो अपना फर्स्ट ही वाज़ द फर्स्ट और वो फर्स्ट रूलर थे हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस तो वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने की थ्रू इंस्क्रिप्शन कोशिश करी अशोका के कई बहुत सारे जो मतलब काफी जो इंस्क्रिप्शन थी वो प्रकृत लैंग्वेज मीन विच लैंग्वेज दे प्रकृत लैंग्वेज और वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जा चुके हैं इन विच स्क्रिप्ट दैट अशोका वो तो कलिंग एक एशियंट कलिंग एक एशियंट नेम है कोस्टल उड़ीसा का जो कि आप मैथ फाइव पेज नंबर सिक्सटी एट में देख सकते हैं अशोका जो है उन्होंने फाइट करी थी अ वॉर टू कंक्योर जीतने के लिए कलिंग को ठीक है उन्होंने एक फाइट लड़ी थी कलिंग को जीतने के लिए हाउ एवर ही वॉज सो हॉरीफाइड वेन ही सो वायलेंस एंड ब्लड शेड तो बहुत ज़्यादा वो हॉरीफाइड हो गए थे बहुत दुखी परेशान हो गए थे वो जब उन्होंने देखा ब्लड शेड लोगों का मरना जब उन्होंने बहुत दुख देखा खून रहा है लोगों का जो जिनकी कुछ गलती भी नहीं है तो उन्होंने डिसाइड किया नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स और वो ओनली किंग थे और वो ओनली किंग थे जिन्होंने हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मतलब जिन्होंने वॉर जो है जीतने के बावजूद भी वॉर को क्विट कर दिया यानी कि गेव अप कर दिया आगे वो कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे ऐसा उन्होंने प्रण लिया और उसको निभाया ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर ठीक है चलिए थैंक यू